सांखला कुल्फी चार नग रेगुलर 100 रुपए, सांखला कुल्फी चार नग स्मॉल 50 रुपए, शुगर फ्री कुल्फी 34 रुपए, सांखला आइसक्रीम कप 20 रुपए, वनीला पार्टी पैक 700 ml 60 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 700 ml 80 रुपए, वनीला पार्टी पैक 1250 ml 110 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 1200 ml 120 रुपए, ओरियो पार्टी पैक 1000 ml 150 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 4 लीटर 380 रुपए, वनीला पार्टी पैक 4 लीटर 300 रुपए। सांखला कुल्फी में और भी बहुत कुछ कूल कूल, अन्य स्वादिष्ट फ्लेवर में भी बहुत कुछ उपलब्ध। ऑफर स्टॉक की उपलब्धता पर मेन काउंटर, सांखला कुल्फी, रेलवे क्रॉसिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर। कॉन्टैक्ट 8279210642। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, वी सिंथेसाइज योर ड्रीम्स। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, द ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बीकानेर, उत्तर पश्चिम राजस्थान का लार्जेस्ट फैकल्टी टीम वाला एकमात्र संस्थान, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ST इन एम्स 2017 एंड नीट 2016, ICAR 2014 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ओवरऑल, नीट AIPMT RPMT में अब तक 1603 सिलेक्शन, एम्स में 125 सिलेक्शन, NIT और IIT में 87 सिलेक्शन, 2 बार RPAT में पूरे राजस्थान में पहली रैंक और 3 बार RPVT में फर्स्ट रैंक। कम एंड विजिट सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम्स, जहां होंगे रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, लॉन्ग ईयर लेवल टेस्ट सीरीज फॉर एम्स, नीट, IIT, JEE। इसके साथ ही 80% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सिंजी स्कॉलरशिप। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ज्ञान टावर, नियर शिवबाड़ी सर्कल, ओल्ड शिवबाड़ी रोड, बीकानेर। कॉन्टैक्ट 0151-220-6735, 8003094891 और 92 और 93। वेबसाइट www.synthesis.ac.in। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर वी डी गल्ला पहुंचे बीकानेर, अधिकारियों के साथ कलेक्टर सभागार में भी बैठक। सैटेलाइट अस्पताल में नवनिर्मित शिशु चिकित्सा कक्षों के हुए लोकार्पण। कपिल सरोवर में कुमारपाल गौतम ने किया निरीक्षण और मध्य भाग में प्लेटफॉर्म बनाने के दिए आदेश। तीसरे वेतन श्रृंखला के लेवल 2 वाले शिक्षकों का धरना जारी। महेश नवमी पर हुए अनेक आयोजन। रॉयल एनफील्ड शोरूम का हुआ शुभारंभ। लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल और राम रहीम युवा परिषद की तरफ से निर्जला एकादशी पर होंगे अनेक आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुख करते हैं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के और निर्देश दिए। उन्होंने साथ ही भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि नियत समय में तमाम योजनाओं को मुकम्मल करें और आम आदमी को इसका लाभ मिले। आइए हम आपको लिए चलते हैं कलेक्ट्रेट सभागार, जहां पर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम की मौजूदगी में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए। सोभा सर ने हमने आइडेंटिफाई की सर जमीन लगभग 400 बीघा जमीन चालीस हज़ार के आसपास छोटी जमीन उसका 3 बीघा जमीन चाहिए।
डॉक्टर बीडी कल्ला ने जिला अस्पताल में भी शिशु कक्षों का लोकार्पण किया। यहाँ नवनिर्मित ये जो कक्ष हैं ये रोटरी क्लब मरुधरा की तरफ से उनकी प्रेरणा से बनवाए गए हैं। यहाँ पहुँचने के साथ ही जहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, रोटरी मरुधरा के अध्यक्ष पुनीत हर्ष भी इसमें उनके साथ में मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं सैटेलाइट अस्पताल जहाँ पर इन कक्षों का लोकार्पण डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा किया गया। शिकोलायत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी पहचान रखता है, बीकानेर की भी इससे पहचान है। कपिल सरोवर काफी पुण्य सरोवर माना गया है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। पर्यटन को बढ़ाने के लिहाज से कपिल सरोवर का अहम स्थान माना जा रहा है। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कोलायत का दौरा किया, वहीं उन्होंने कपिल सरोवर को भी देखा। उसकी भव्यता को देखकर न केवल जिला कलेक्टर अभिभूत हुए बल्कि पर्यटन और आध्यात्मिक दृष्टि से उनके महत्व को देखते हुए उसे आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने मध्य भाग में प्लेटफॉर्म निर्माण की बात भी की। सरोवर के मध्यभाग में मध्य प्लेटफॉर्म बनाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि जो संगीत प्रेमी लोग हैं वहां पर बैठकर के उसका लुत्फ उठा सकते हैं। हमने यहाँ पहुँचने के साथ ही जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम से की बातचीत। जो है ब्रिज जो है प्राचीन धरोहर है, इसका संवर्धन और संरक्षण कैसे किया जाए, इसको कैसे सुंदर बनाया जाए पर्यटन की दृष्टि से भी, इसके बारे में जो है इसकी DPR बनाई जा रही है और इसमें आगे कार्य किए जाए। क्या प्रोजेक्ट है, क्या नहीं है, थोड़ा बहुत बताएं। देखिए DMFT के थ्रू जो बजट है हमारे पास उससे इसमें काम कराया जाएगा और इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम किए जाए, चाहे वो घाट बनाना है, तालाब को ठीक करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, तालाब के पानी को सही करना है, वो सारे कार्य इसमें लिए जाएंगे। काम कब तक शुरू होगा सर इसका? बहुत जल्दी हो जाएगा इसका। अभी कुछ ही दिनों में इसका प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए बजट का प्रोविजन अगले एक दो हफ्ते में ही कर दिया जाएगा ताकि इसके कार्य शुरू। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय में रीट लेवल 2 में जो चयनित विद्यार्थी हैं और अभ्यर्थी हैं वे अपनी नियुक्ति मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उनके प्रदर्शन धरने के संपादित अंश। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, उचित समाधान करते हुए, उचित समाधान करते हुए हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी चलेगी, नहीं चलेगी सरकार, हम तुम्हारे साथ है, सरकार हम तुम्हारे साथ है। सरकार से सरकारों ने जो वादा किया बेरोजगारों से, पूरा करो, पूरा करो। जनजन चुनाव में जो वादा किया, पूरा करो, पूरा करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेवल 2 वेटिंग लिस्ट। महेश नवमी के अवसर पर महेश समाज के अनेक आयोजन किए गए जिनमें खासतौर से भगवान महेश की विशेष आरती का आयोजन भी रखा गया। बड़ी संख्या में महेश समाज के लोग इसमें शामिल हुए। हम आपको दिखाते हैं महेश नवमी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलक। शहर बीनासर के बीच में रॉयल एनफील्ड शोरूम का उद्घाटन हुआ। रौनक रॉयल एनफील्ड नाम के इस शोरूम के संचालक जुगल राठी हैं। इस मौके पर जहां लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता संत सोमगिरी महाराज और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला इस उद्घाटन मौके पर पहुंचे। आइए हम आपको लिए चलते हैं रॉयल एनफील्ड के उद्घाटन अवसर पर।
यहाँ पहुँचने के साथ ही हमने इसके संचालक जुगल राठी से की विशेष बातचीत। आज बीकानेर शहर में रॉयल एनफील्ड का सेकंड डीलरशिप खुली है, तो मैं सभी बीकानेर वासियों को कहना चाहूँगा कि जो रॉयल एनफील्ड आज युवाओं का जोश है और युवाओं का एक नीड, मैं ये कह सकता हूँ कि युवाओं का सपना है, वो आज बीकानेर शहर में हम लोग पूरा करना है। रॉयल एनफील्ड के अंदर बहुत से ब्रांड आते हैं, जिसमें लग्जरियस ब्रांड में मैं थंडरबोल्ट की बात करूँ, चाहे इंटरसेप्टर की बात करूं, जो कम उपलब्ध होती है या उसकी बुकिंग करवानी पड़ती है। तो आज साथियों ये कहना चाहूंगा कि ये गाड़ियां भी इस शोरूम पे कभी भी किसी भी वक्त आप चाहोगे तब आपको मिलेगी। तो मैं बीकानेर वासियों से कहना चाहूंगा एक बार जरूर हमारे शोरूम को विजिट करें। ये आज की तारीख में लग्जरियस पिक्चर है रॉयल एनफील्ड बीकानेर का, और आज सेकेंड डीलरशिप का मुहूर्त है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि कुछ ग्राहकों को हम ऐसा कुछ मान सम्मान करवाएं ओपनिंग में बुकिंग के लिए, तो इस डीलरशिप को खुशी होगी। हमारे पास अभी वैसे तो रॉयल एनफील्ड के जितने ब्रांड आते हैं वो सभी मॉडल हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें इंटरसेप्टर हो चाहे थंडरबोल्ट हो या कोई दूसरा मॉडल हो, सभी मॉडल हमारे पास उपलब्ध है। आज न्यू लॉन्चिंग है तो कौन कौन करने वाले हो उद्घाटन? आज न्यू लॉन्चिंग है इधर सावंत सोमगिरी जी महाराज और मेरी मदर कमला देवी राठी जी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रवेश प्रारंभ बीकानेर पब्लिक स्कूल BPS CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित DG बोर्ड से पढ़ाई करवाने वाला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां होता है आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास। BPS जहां शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन पर दिया जाता है विशेष ध्यान। सर्व सुविधाओं से युक्त बीकानेर का पहला वातानुकूलित स्कूल, शहर के हर कोने से बच्चों को लाने ले जाने की माकूल व्यवस्था, खेल कूद की सभी सुविधाएं, प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं। तो आज ही आएं और अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं। बीकानेर पब्लिक स्कूल, कम फीस में बेहतर शिक्षा। तो आएं बीकानेर पब्लिक स्कूल, बी ब्लॉक करनी नगर, लालगढ़, बीकानेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9413730794, 0151253074। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, जसूसर गेट के अंदर SBI बैंक के सामने बीकानेर। चाट बाजार, जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे आपके लिए, लजीज फास्ट फूड, जूस, नाश्ता, ब्रेकफास्ट और भी बहुत कुछ। चाट बाजार जसूसर गेट, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन, देसी फूड, कई तरह के स्वादिष्ट पराठे, नाश्ता, फ्रेश जूस, रियल जूस। चाट बाजार जसूसर गेट, ठंडा ठंडा कूल कूल बर्फ कोला, आइसक्रीम की ढेरों वैरायटी। चाट बाजार, पैकिंग चिप्स, केक, स्पेशल मद्रासी कुल्फी, स्लाइस मसाला डोसा। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, ड्रीम ऑफर के साथ विशेष छूट भी आपके लिए, परिवार के लिए। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, अपनों के लिए अपनों जैसा। जसूसर गेट SBI बैंक के सामने बीकानेर। SDP मेमोरियल स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, कवर्ड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, अट्रैक्टिव एंड एनहांस्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैब्स, डांस एंड म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम विद अ ग्रेट अकोमोडेशन, सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक टीचिंग अप्रोच, इनकॉर्पोरेशन ब्रेन एक्सरसाइज एंड स्मॉल ग्रुप अप्रोच, कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर एक्सीलेंट एकेडमिक अचीवमेंट, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रेशियो 25:1, stress-free, bias and independent learning atmosphere, emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1, admission open for nursery to 12th, SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल और राम रहीम सेवा समिति के तत्वावधान में निर्जला एकादशी को
विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें खासतौर से शरबत पिलाना, लस्सी पिलाना और अन्य तरह से जो लोग होते हैं दान पुण्य के कार्यक्रमों को लेकर के पिछले लंबे समय से यह समिति कार्यक्रम आयोजित करती है। लक्ष्मीनाथ मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े रहते हैं। लक्ष्मीनाथ जी की घाटी भाना श्री जैन मंदिर के पास निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर हर साल की भांति इस साल भी लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल सभी हरि भक्तों के लिए शीतल जल, शरबत और ठंडी छांव की व्यवस्था करेगी। लगभग 30 सालों से यह सेवा अपने निरंतर सेवाएं दे रही है। इस मौके पर हमने इस आयोजन समिति से जुड़े लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार निर्जला एकादशी के मौके पर क्या कुछ होगा। स्थान विभाग की तरफ से पूर्ण तैयारी हो चुकी है, टेंट लगाने का काम चल रहा है, मंदिर में विशेष भोगराग की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा पेयजल की और कूलर की, 6 कूलर बड़े वाले एसी कूलर की व्यवस्था की गई है, उसके अलावा 10 पेडेस्टर फैन की व्यवस्था की गई है, एक माइक सेट की व्यवस्था की है। मंदिर के सहयोग की भी पूरी लोगों की भावना जुड़ी हुई है, काफ़ी भक्तजन इससे जुड़े हुए हैं। मंदिर पर्यावरण समिति भी पूर्ण कार्य में इसमें सहयोग कर रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी और अपना यह उत्सव बीकानेर का बहुत ही अच्छा संपन्न होगा। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, सहयोग कर रहे हैं और तन मन धन से सब लगे हुए हैं सेवा भाव से, ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी की कृपा से यह उत्सव बहुत ही भव्य और उत्साहजनक होगा। धन्यवाद। नाम बता दो। राजेश तादिच, देवस्थान विभाग, बीकानेर। वहीं हमने लक्ष्मीनाथ मंदिर पर्यावरण समिति के सीताराम कच्छावा से भी इस बाबत की विशेष बातचीत। लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति के द्वारा निर्जला एकादशी के इस पावन पर्व पर जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। समिति के द्वारा निःशुल्क जूते चप्पल सेवा केंद्र, खोया पाया केंद्र, निःशुल्क शरबत, ठंडे शरबत की व्यवस्था, शीतल पेयजल की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के जो इतने हजारों दर्शनार्थी आएंगे उन दर्शनार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनें लगवा करके उनको दर्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए समिति ने आज मीटिंग भी की थी। और हमारे सभी कार्यकर्ता निर्जला एकादशी के दिन सवेरे प्रातः 5 बजे से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक और शाम को वापस 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक यहाँ पर सेवाएँ प्रदान करेंगे। हम जिला प्रशासन के आभारी हैं, पुलिस प्रशासन के आभारी हैं, SP साहब ने पूरी पुलिस की व्यवस्था की है, देवस्थान विभाग ने यहाँ पर टेंट की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था की है, नगर निगम के माहवारी है, उनसे कह करके पूरा मंदिर और पूरा पार्क परिसर हमने साफ करवाया है। और इसी प्रकार से आप देखिए विद्युत विभाग से भी हमने सहयोग लिया है, विद्युत विभाग के 4 कर्मचारी किसी भी प्रकार की यहाँ पर कैजुअलिटी नहीं हो, कोई करंट आए तो उसकी भी व्यवस्था समिति के द्वारा पिछले 1 हफ्ते में प्रयास करके की गई है। नाम बताइए। सीताराम कच्छावा। और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खास खबरों पर। अधिकारी के साथ में कलेक्टर सभागार में भी बैठा। सेटेलाइट अस्पताल में नवनिर्मित शिशु चिकित्सा कक्षों के हुए लोकार्पण। कपिल सरोवर में कुमारपाल गौतम ने किया निरीक्षण और मध्य भाग में प्लेटफॉर्म बनाने के दिया आदेश। तीर्थवेदन श्रृंखला के लेवल 2 वाले शिक्षकों का धरना जारी। महेश नवमी पर हुए अनेक आयोजन। रॉयल एनफील्ड शोरूम का हुआ शुभारंभ। लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल और राम रहीम युवा परिषद की तरफ से निर्जला एकादशी पर होंगे अनेक आयोजन।
और इससे पहले कि हम आपसे विदा ले, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।